हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम आपके पास सबसे पहले और सबसे तेज जॉब अपडेट लेकर आएंगे, तो आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कहां पर वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, क्या हमारा टाइटल रहने वाला है जॉब का, क्या हमारी पोस्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स, स्पेशली जॉब अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या जॉब का टाइटल होने वाला है। जॉब का जो टाइटल है वो ECHS पॉलीक्लिनिक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। कि सर, अब ये ECHS क्या होता है? तो ECHS जो होता है वो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। अब सर, इसमें हमारा पोस्ट क्या होने वाला है या नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो वो ही हम बात करते हैं। तो जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है दो, और किस पोस्ट के लिए है, वो है फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। 11 महीने का, यानी कि 11 मंथ्स का इसमें पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि आगे एक साल और एक्सटेंड हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके काम पर, जो आपका जो भी काम रहेगा, आप जैसा काम करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा कि जो ये ECHS डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इसको ये आगे एक्सटेंड करते हैं या नहीं। तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दो होने वाली है, यानी कि दो ही सीट है, दो ही वैकेंसीज हैं। अब आगे चलते हैं। जब आप इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आगे इस वीडियो में आपको दे रखी है, मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक ये वेब पेज ओपन होगा। इस वेब पेज में ये मेंशन किया हुआ है कि ये साइट लैग कर रही है और जिसकी वजह से साइट प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही है। तो उसके चलते इस जॉब के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में भी इसका एडवर्टीजमेंट आया था, वो मैंने आगे इस वीडियो में उसकी कटिंग लगा रखी है। चलिए अब जानते हैं कि ये पोस्ट होने कहाँ वाली है, कहाँ पोस्टिंग रहेगी, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सब हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा हेड स्टेशन होने वाला है वो हेड स्टेशन होने वाला है भुवनेश्वर में। स्टेशन कमांडर, यहाँ स्क्रीन पर देखिए, स्टेशन कमांडर भुवनेश्वर इनवाइट्स एप्लीकेशन टू फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ECHS पॉलीक्लिनिक भुवनेश्वर, जिसमें कि पीरियड रहने वाला है 1 ईयर का, जो कि रिन्यूअल हो सकता है आगे 1 साल के लिए। जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स यानी कि रिटायर्ड है, जो भी अपनी गवर्नमेंट पोस्ट से, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। तो उसमें फार्मासिस्ट की 2 सीटें, यानी कि 2 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि आप डी फार्म या बी फार्म वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आप कहाँ विजिट कर सकते हैं, कहाँ इसकी डिटेल जान सकते हैं, ये सामने वेबसाइट उन्होंने गिवन है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर, हम इसमें इनके कोई क्वेरी है तो उसके लिए कहाँ पर हम इसको नंबर फोन मिला सकते हैं। तो आगे स्क्रीन पर फोन नंबर भी गिवन है, आप इस पे अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, आपकी जो हार्ड कॉपी होने वाली है इस एप्लीकेशन की, साइट पर जाकर आप वहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्म को, हार्ड कॉपी यानी कि इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जब साइट ओपन हो जाएगी तब आप इसको कर सकते हैं। तो सारे आपके जो भी हार्ड कॉपी है उसको आप इनके एड्रेस पर सेंड कर देंगे। एड्रेस ये रहा, द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर्स भुवनेश्वर यूनिट 4, विद्युत मार्ग भुवनेश्वर, एंड पिन कोड भी गिवन है। इस एड्रेस पर आप अपनी हार्ड कॉपी को सेंड कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, इस हार्ड कॉपी को आप कुरियर कर दीजिएगा। और दूसरा ध्यान रखिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि जो आपके पास कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए वो आपके पास टेलीफोनिकली आएगी, या तो वो आपको कॉल करेंगे या आपके पास ईमेल आएगा इस ECHS या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, जो कि हमारा कमांडर स्टेशन है भुवनेश्वर में। यहाँ से आपके पास फोन आने वाला है या आपके पास मेल आएगा। तो इस चीज का खास कर ध्यान रखिएगा कि आपके जो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें मेंशन करेंगे वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा, एप्लीकेशन जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सेंड करने वाले हैं और जो आप उसके अंदर एंट्रीज करेंगे वो एकदम सही होनी चाहिए, लायबल होनी चाहिए, कोई भी इसमें मिस गाइडेंस ना हो। और जो आपकी इसमें लास्ट डेट होने वाली है, लास्ट डेट होने वाली है 28 नवंबर 2022, 28 नवंबर 2022 मंडे, ये लास्ट डेट है इसको
एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, और जो आपका डेट और इंटरव्यू का टाइम है वो सब आपको टेलीफोनिकली या ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। और दूसरा लास्ट ध्यान रखना है कि जब आप इसके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी वहां आप लेकर जाएं, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने जॉब है या आप रिटायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, वो भी आप अपने साथ लेके जाइएगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपके रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है। स्पेशली जैसे 10th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट, और आपने क्या डी फार्म बी फार्म किया है उसका सर्टिफिकेट होता है, और आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और आपके जो आधार कार्ड, जो आपकी प्रूफ आईडी आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो सब, और फोटोग्राफ्स। और दूसरा सबसे लास्ट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें देखना है कि TADA आपको इसमें एडमिसिबल नहीं है, आपको TADA नहीं मिलने वाला है जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपका खुद का ही खर्चा होगा। तो ये सब इस पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स थी कि जो ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत है, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। कहाँ पर है ये, स्टेशन कमांडर है हमारा भुवनेश्वर में, तो वहां से ये वैकेंसीज आई हैं। तो उसकी क्या क्या डिटेल्स होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पीरियड रहने वाला है, टेन्योर पीरियड क्या रहने वाला है, वो सब हमने डिस्कस किया, और क्या लास्ट डेट है। तो इन्हीं तरीके की अपडेट्स के लिए आप हमारे फार्मेसी इंडिया के साथ बने रहिए। और अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो सामने ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है जो कि ECHS.gov.in है, इस पर आप जाइए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी वहां पर। अभी फिलहाल उसमें साइट में कुछ काम चल रहा है इसलिए साइट हैंग हो रही है, कोई डिटेल्स ओपन नहीं हो रही है, 1-2 दिन में बहुत जल्दी साइट ओपन हो जाएगी, वहां आप सारी डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं। आप अगर किसी भी फार्मेसी जॉब की गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम फार्मेसी इंडिया से, और आपको हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा सकते हैं जस्ट एट 1 रुपी। अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे सर, आपने कुछ तरीका तो बताया नहीं हम कैसे आपको कॉन्टेक्ट करें, तो आपको हम अपना तरीका बताते हैं कि आप हमसे फार्मेसी इंडिया ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, फार्मेसी इंडिया सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8006781759 पर आप हमें PIndia कैपिटल लेटर्स में लिखकर भेज दीजिए, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाएंगे और आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट, स्पेशली फार्मा जॉब्स आप तक मिल जाएंगी। इसी तरीके की फार्मा अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, फार्मेसी इंडिया के साथ। डरने की क्या है बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।